इसकी लंबाई पूरी इस सिरे से लेके लास्ट वाले सिरे तक कितनी है? 5 सेंटीमीटर, पहले सिरे से लेके आखिरी सिरे तक। तथा इसका ब्यास 2.8 सेंटीमीटर है। समझने का सवाल है, ब्यास इसका यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। ये अब तो त्रिज्या कितनी होगी? 2.8 का आधा, 2.8 का आधा कितना? 1.4 सेंटीमीटर। और अर्धगोली की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होती, जितनी त्रिज्या ये है इतनी ही होगी, गोलाई चारों तरफ को बराबर होती, तो ये कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर। और इधर को भी कितना हो गया? 1.4 सेंटीमीटर। अब 1.4 इधर से काट दो, 1.4 इधर से काट दो, बीच का बेलन बेलन अलग करना है। तो 1.4 इधर से काटा, 1.4 इधर से काटा, तो 5 में से कितना कट गया? 2.8 कट गया ना, 1.4 इधर से, 1.4 इधर से, 2.8 कट गया। 10 में से 2, 3 यहाँ पे बचेगा, 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो ये बेलन बेलन कितना बचा? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है ये? नमस्ते नमस्ते, आगे निकलिए एक बच्चा, एक वहाँ कोई सरक लो कहीं को, दोनों आज दोनों भी आ जाओगे उधर। देखो तो क्या करेंगे, ये कह रहा है कि एक गुलाब जामुन इस तरह की है, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी बनेंगी? ऐसी ऐसी कितनी है? ये 45 है, ऐसी ऐसी कितनी है? 45। जबकि एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी निकलती, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% बखर निकलता है। अब हमें बताना 45 में कितनी बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल के उसे क्या करेंगे, 45 से गुणा कर लेंगे, 45 का आ जाएगा, फिर उसको 30% निकाल देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कितनी चाशनी बनेगी। ठीक है, इस कपड़े से साफ कर ले ले। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे, तो पहले हेडिंग डालेंगे बेलन के लिए, बेलन के लिए। देखो गुलाब जामुन के हमने दो पार्ट, तीन पार्ट कर लिए हैं, एक तो बेलन और एक अर्धगोला इधर काट लिया और एक अर्धगोला इधर काट लिया। तो कैप्सूल वाला सवाल पड़ा था वही है ये। कपड़ा है तो कपड़े से कर लेना। देखो जरा बेलन के लिए आ गए, बेलन के बारे में क्या क्या पता? ब्यास दे रखा था डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाली, त्रिज्या क्या होती? ब्यास का आधा, डी बटे दो मतलब 2.8 बटे 2, दो ही का ना 2, 2 चौक 8 बराबर कितना? 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की लंबाई पता नहीं थी, हमने खुद निकाली है। बेलन की लंबाई कैसे निकाली हमने? 5 सेंटीमीटर में से 1.4 सेंटीमीटर एक तरफ से काटा है और 1.4 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, 1.4 सेंटीमीटर तो एक तरफ से काटा इधर से और 1.4 इधर से काटा, तो ये कट गया 2.8, और 5 में से 2.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2.2 सेंटीमीटर। ये बेलन की लंबाई आ गई, इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या सूत्र होता याद है किसी को? बेलन का आयतन कितना होता? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन भी नहीं पता, पाई गुणा आर का मान कितना? 1.4 गुणा 1.4 गुणा एच का मान कितना है? बेलन की एच कितनी है? 2.2। अब देखो जरा ध्यान से, 14 14 की गुणा करेंगे तो 196, 14 14 की गुणा 196, 196 की 22 से गुणा कर लेंगे और जो आंसर आगा उसमें 1 2 3 के बाद दशमलव लगा देंगे। 2 6 12, 2 9 18, 1 19, 2 1 2 1 3, 392, 2 9 3, 392, 2 9 10 11, 9 1 10 3 13, 43 12, 3 अंकों बाद दशमलव, तो 4.312 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, ये आ गया बेलन बेलन का बीच बीच का। अब इसमें क्या है, 2 अर्धगोले हम हेडिंग डालेंगे अर्धगोलों के लिए, क्योंकि 2 हैं ये अर्धगोलों के लिए। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है यहाँ पे? आर बराबर 1.4 सेंटीमीटर,
दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एक के लिए हमने निकाल के दिखा रखी है। इसलिए दो अर्धगोलों का आयतन, दोनों का एक साथ निकालना है, दो अर्धगोलों का आयतन। एक अर्धगोले का आयतन कितना होता, एक अर्धगोले का आयतन कितना होता, सूत्र किसी को याद नहीं है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब दो का कितना हो जाएगा, डबल, चार, ये हो जाएगा 2 × 2/3 गुणा पाई गुणा, अब आर की पावर 3 है, आर का मान 3 बार लिखेंगे, 1.4 × 1.4 × 1.4। अब देखो इसके गुणा करने शुरू करते हैं, 14, पाई का मान नहीं रखते हैं, सवाल को हल्का बनाने का तरीका बताया था नहीं मैंने, इसमें भी पाई आ रहा है, इसके फॉर्मूले भी पाई आ रही है, पाई का मान मत रखो, पाई का मान रख दिया तो तुमसे होगा नहीं सवाल, लास्ट तक भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम तो कैलकुलेटर हो ना। अब देखो गुणा कर लेते हैं इसकी, एक बारी कर देते हैं, 14 14 की गुणा 196 की गुणा करते हैं, 2 × 2 = 4, 14 × 4 = 56, 56 सा कर लेते हैं, 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, 8 × 3 = 54, 9 × 3 = 57, 6 × 6 = 5 = 11, 5 × 3 = 30, 5 × 3 = 30, 5 × 9 = 45, 8 × 3 = 48, 5 × 5 = 9, 6 × 7 = 9, 10, 10 × 9 = 76, 10 × 9 = 76, 3 के बाद पॉइंट, इतने पाई और नीचे ऐसी बचा 3 सेंटीमीटर की क्यूब, 3 को ऐसी रहने देंगे, इससे छुआछेड़ी नहीं करेंगे, समझ गया, या 3 से काट लो, चलो कट भी रहा, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, नहीं कट रहे ऐसे रहने, तो क्या करेंगे अब, बेलन का और दोनों अर्धगोलों का जोड़ देंगे तो किसका आ जाएगा, एक गुलाब जामुन का आ जाएगा, ठीक है। अब इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन कितना है, 4.312 पाई, 4.312 पाई, कुछ को तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बैठे, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा, 3/3 बेलन का, बेलन का और इसका दोनों अर्धगोलों का जोड़ लिया, कैमरा देखने के लिए बैठा, अब जो कैमरा पे ध्यान मत दे, तो इसमें क्या बात है, अब एक गुलाब जामुन का निकालेंगे, इसलिए एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर 4.312 पाई, तो इसका बेलन का है 4.312 पाई प्लस 10.976/3, 10.976/π/3। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 12, पाई प्लस 10.976π, समझ गए, तिरछी गुणा कर दी, अब इसे जोड़ लेंगे, 12.936 में को जोड़ेंगे, 10.976, 6 × 6 = 12, 7 × 3 = 10 और 1 = 11, 9 × 9 = 18 = 19, 2 × 1 = 3 = 2, 23.912π/3, पाई स्क्वायर मत कर दिया, कभी पाई स्क्वायर कर दो, इतना आ गया। अब ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया सेंटीमीटर की क्यूब, हमें निकालना 45 का, इसलिए 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 से इसके गुणा कर देंगे, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, 45 × 23.912π/3, 3 से ऐसे काट लेंगे, 3 × 3 = 3, 5 = 15, 15 की और इसकी गुणा कर लेंगे, 23.912 की 15 से गुणा,
पाँच दूनी दस, पाँच एकना पाँच और एक छः, पाँच नम पैंतालीस, आठ से लेकर चार पाँच तीन पंद्रह और चार उन्नीस, पाँच दूनी दस और एक ग्यारह, दो एक नौ तीन दो, जीरो छः दो आठ, छः छः नौ पंद्रह, तीन और दो पाँच, दो और एक तीन, कितने अंकों बाद दशमलव? तीन अंकों बाद दशमलव। 355., 355.680 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, ये इतना आ गया। गुड़ा कैसे, कहाँ पे ऊपर गलत जुड़ा क्या? अरे यहाँ पे अभी गलत जुड़ा था। 23.912 की 15 से गुणा करी थी, सही तो कर दो। पाँच दूनी दस, पाँच एक ना पाँच और एक छः, पाँच नौ पैंतालीस, पाँच तीन पंद्रह चार उन्नीस, पाँच दूनी दस और एक ग्यारह, दो एक नौ तीन दो, जीरो छः दो आठ, पाँच और एक छः, नौ नौ अट्ठारह, तीन और दो पाँच और दो और एक तीन, तो ये आ गया हमारा 358.680 पाई, इतने सेंटीमीटर की क्यूब। ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया। अब हमें निकालनी चाशनी, एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी निकलती बखर, तो 45 में कितनी निकलेगी इसका? 30% कर देंगे, इसलिए 45 गुलाब जामुनों की चाशनी बराबर 358.680 पाई गुणा कितना? 30% निकाल देंगे, 30/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब थोड़ा दिमाग से काम करते हैं, ये 10 हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ ले आएंगे, 35.8680, ये पॉइंट इधर ले आए तो नीचे से 10 हट गया, गुणा पाई का मान भी रख लो 22/7 और गुणा 3, ठीक है। अब देखो 7 से कट रहा है क्या? 7 से कट जाएगा तो और आसान हो जाएगा, 7 5 35, 7 3 7, 7 2 14 कट रहा है, 7 5 35.7 7, 1 बचा 16 हो गया, 7 2 14, 2 बचा 7 4 28, ठीक है। अब 22 3 66, 66 किसकी गुणा कर लेंगे? 5.1240 की 66 से गुणा, 6 0 0 6 6 24, 6 2 12 2 14, 6 1 6 1 7, 6 5 30, 0 4 4 7 0 3, 0 4 8 7 4 11, 7 3 8 33, तो ये हो गया 3 3 8 1 8 4 0, 4 अंकों बाद दशमलव, इतने सेंटीमीटर की क्यूब। आंसर चेक करो जरा, 338.1818 लिख दो, 40 लिखना चाहो पूरा लिख दो, 0 छोड़ना चाहो छोड़ दो, 1 पे भी छोड़ सकते हैं, इसे 2 भी बना सकते हैं, समझ गए, और 338 पूरा पूरा भी ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, अगर पॉइंट के बाद के छोड़ते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। पर इस तरह से गड्ढे हैं पेन खड़े करने के लिए, समझ गए, 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर इसकी, ऐसे लिख रखा हो ना, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, इसका मतलब होता है लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, लंबाई 15 हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 10, और ऊंचाई कितनी 3.5 सेंटीमीटर, ये इस तरह की लकड़ी है और इसमें 4 गड्ढे बनाए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5, इसकी त्रिज्या कितनी 0.5 और गहराई इसकी 1.4 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे 4 गड्ढे बनाए गए। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना, कलमदान में लकड़ी का आयतन, अब देखो कैसा बनाया होगा किसी ने, ये पहले तो ये ठोस लकड़ी ली होगी, ठोस घनाव लिया होगा, ठोस लकड़ी लाया होगा, फिर निशान लगाए होंगे, ऐसे निशान लगाए होंगे 4, और 4 उसने ये ऐसे ऐसे शंकु इसमें से काट के निकाल दिए होंगे 4, तो ये बन गया होगा उसका कलमदान, पेन होल्डर, पेन खड़ा करना। तो इसका मतलब पहले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसमें से 4 शंकु घटा देंगे। अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो जुड़ते, ध्यान रखना पृष्ठीय क्षेत्रफल में जुड़ता, मगर ये आयतन पूछ रहा है तो घट जाएगा। अब इसका आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 से गुणा कर लेंगे,
इसमें पाई नहीं आ रही है तो इसमें पाई का मान रख के सोल्व कर लेंगे, दोनों को घटा लेंगे। तो समझ गए, पहले घनाभ के लिए और फिर समकोण के लिए दो चीजें हैं। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं घनाभ के लिए, घनाभ के लिए। अब घनाभ के बारे में हमें क्या क्या जानकारी है वो सब लिखेंगे। लंबाई इसकी कितनी एल, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई को कहते हैं बी, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई को कहते हैं एच, 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का आयतन, इधर देखो जरा, इसलिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फॉर्मूला लगा देंगे। अब लंबाई देखो 15 गुणा चौड़ाई कितनी 10 गुणा ऊंचाई कितनी 3.5, गुणा कर लेंगे 15 ढाई कितना हो गया 150, 150 की और 35 की गुणा, 5 0 0 5 5 25, 5 8 2 7, 3 0 0 3 5 15, 3 और 1 4, 0 5 7 5 12, ये हो गया 52 50, एक अंक बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, 525 सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमें ये पता लग गया, घनाभ का आयतन आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें चार गड्ढे बनाए गए हैं, चार शंकु, तो हेडिंग डालेंगे शंकुओं के लिए, हेडिंग डालेंगे शंकु के लिए। अंदर लिखे दे रहे हो कभी आप समझ लो, 15 सेंटीमीटर। अब हेडिंग डालेंगे शंकु के लिए, यहाँ पर शंकु के लिए। अब शंकु के बारे में क्या क्या पता है, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, गहराई 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए चार शंकुओं का आयतन, चार शंकुओं का आयतन, चार गुणा, चार से गुणा कर देंगे, एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो चार ही करना, 4/3 गुणा पाई का मान 22/7, इसमें रख के चलेंगे क्योंकि इसमें पाई आया ही नहीं, गुणा आर स्क्वायर, आर का मान 2 बार 0.5 गुणा 0.5 गुणा एच, एच का मान कितना 1.4, ये मान रख लिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखो जरा ध्यान से, इसमें गड़बड़ कर लें बच्चे, इसकी कैलकुलेशन आसान करनी है तो पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लो, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट हटाया जीरो बढ़ा लिया, सबके नीचे 10 10 आ गया। अब इन्हें काटा फिटी करते हैं, देखो पाची का ना 5 5 दुनी 10, पाची का ना 5 5 दुनी 10, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और इसे कैंसिल कर 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है, इस 7 से ये 7 गया। अब क्या बचा ऊपर, देखो ध्यान से क्या बचा, ऊपर खाली 22 बचा, 22 और नीचे कितना बचा 5 दिया 15, इतने सेंटीमीटर की क्यूब। ये आ गया चारों गड्ढों का। अब कलमदान में लकड़ी का निकालना, तो जो घनाभ का आया उसमें से चारों गड्ढों का माइनस कर देंगे, तो कलमदान में लकड़ी का आयतन आ जाएगा, समझ गए। अब देखो इसलिए कलमदान में लकड़ी का, कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस चार शंकुओं का, चार शंकुओं का आयतन। घनाभ का आयतन कितना आया था 525 माइनस चार शंकुओं का कितना आया 22/15, बटे में एक मान के तिरछी गुणा 525 की 15 की गुणा, 5 5 25, 5 2 10 8 2 12 और 5 5 25, 5 2 5, 5 7 7 7, 77 75। एक बार चेक करो, 5 5 25, 5 2 10 8 2 12, 5 5 25 और 26 गलत हो रही गुणा, 525 की 15 से गुणा, 5 5 25, 5 2 10 8 2 12, 5 5 25 और 1 26, 5 2 5, 5 7 8 7, 68 75, 68 75 माइनस 22 करना 22,
अब 22 इसमें से घटा लेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 8, 7 बटे 15, क्योंकि बटे में छोड़ रखा है पॉइंटों में। देखिए जरा पॉइंटों में बनाना चाहो तो पॉइंटों में बना लो, 78 53 को 15 से भाग कर लेंगे, 15 पंजे 75, 3 बचा 15 दुनी 30, 5 बचा 15 3 45, कितना बचा 8 बचा पॉइंट लगा के 15 पंजे 75, 523.5 सेंटीमीटर की। अच्छा आगे और बढ़ा लिया, 15 पंजे 75, कितना बचेगा 5, 15 3 45, तो ये आ गया 5 3। वो तो कितने भी अंक लिख दो, एक अंक लिखना अनिवार्य है। जिसका ऊपरी सिरा खुला हुआ है और इसकी गहराई जो है, ये कह रहा है इसका, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक ये पानी से भरा हुआ है। फिर कह रही है जब इसमें शीशे की कुछ गोलियां, अब इसने क्या करा शीशे की कुछ गोलियां डाल दी, शीशे की कुछ गोलियां डाल दी जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, जब इसने गोलियां इसमें डाली तो इसके पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया, 1/4 भाग बाहर निकल गया ये पानी। तो ये कह रही है इसमें डाली गई गोलियों की संख्या बताओ, कितनी गोलियां उसने डाली। तब 9th क्लास के साइंस में चले जाओ, आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था कि जब कोई पानी में हम कोई चीज़ डालते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था जब पानी में कोई चीज़ डुबोई जाती है तब वह अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करती, तो जितनी गोली डाली है इतना ही पानी बाहर निकला, तो इसका मतलब बाहर निकले पानी का आयतन और इन गोलियों का आयतन बराबर है। बाहर निकले पानी का अगर पता लग जा और एक गोली के आयतन से हम इसे भाग दे दें तो हमें ये पता लग जाए कितनी गोली डाली है। इतना क्लियर हो गया, बाहर निकला जो पानी है वो जितनी गोली तुमने डाली है सबके आयतन के बराबर है, तो अगर एक गोली से इसे भाग कर दें इस पानी को तो हमें पता लग जाए कितनी गोली इसने डाली है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि इस बर्तन में पानी था कितना, इस बर्तन में पानी था कितना, फिर उसका 1/4 कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा बाहर कितना पानी उधा, फिर एक गोली का आयतन निकाल के उससे से भाग कर लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बर्तन के लिए, सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बर्तन के लिए। अब बर्तन के बारे में क्या क्या चीज़ें पता हैं, अब एक चीज़ ये ध्यान दो, देखो ये भी शंकु है, इसमें भी पाई आता है, इसके सूत्र में भी, और ये गोला है, गोली जो है गोला, इसमें भी पाई आता है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। बर्तन के लिए बर्तन की त्रिज्या r बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, बर्तन की गहराई मतलब ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, इसलिए बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन क्या है शंकु, और शंकु का आयतन हमें पता होता कितना 1/3 πr² h, 1/3 × π का मान हम रख नहीं रहे हैं, r का मान 2 बार, 5 × 5 × h का मान कितना 8, 5 × 5 = 25, 25 × 8 = 200, तो ऊपर कितना हो गया 200 π/3 cm³ की क्यूब, हमें पता लग गया इतना पानी भरा हुआ था। अब बाहर कितना निकल गया 1/4, 1/4 भाग बाहर निकल गया, पे इसमें लिखा हुआ सवाल में, तो इसलिए बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर कितना ऊंधा ये हमें निकालना है, बाहर वो कह रही है 1/4, 1/4 मतलब 1/4 से इसकी गुणा कर लेंगे, 200 π/3, 4 × 5 = 20, 50 π/3 cm³ की क्यूब, इतना पानी बाहर ऊंध गया है। अब हमें बर्तन से कोई मतलब नहीं रहा, अब ये जितना पानी है यही गोलियों का आयतन है, अब एक गोली का आयतन निकालेंगे उससे से भाग दे देंगे। अब हेडिंग डालेंगे गोली के लिए,
गोली के लिए। अब गोली की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। गोली का मतलब गोला, गोले का सूत्र लगेगा, इसलिए एक गोली का, गोली का आयतन। अब एक गोली मतलब गोला है, और गोले का सूत्र कितना होता है? 4/3 πr³। 4/3 × π का मान हम रख नहीं रहे हैं, आर का मान 3 बार 0.5 क्यूब होता है गोले में, वो पृष्ठ क्षेत्रफल में होता है स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट उड़ा देंगे जीरो। 5 × 5 = 10 इस दो से ये 2 4 कैंसिल हो गया 2 बार, इस दो से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा? पाई। ऊपर कितना बचा देखो, पाई, और नीचे 3 × 6 πr³ की क्यूब, तो कितना आ गया? 5/6 cm³। एक गोली का आयतन आ गया। हमें निकालनी है गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या बाहर निकले पानी के आयतन को एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे, इसलिए गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। पहले से सही है? हाँ, अभी होने वाला है टाइम, बेटा होने वाला है टाइम, अभी 2-3 मिनट है, बैठो इतना आ जाओ अंदर। गोलियों की संख्या बराबर बाहर निकले पानी का आयतन, बटे एक गोली का आयतन। अब बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर कितना पानी निकला? 50 πr³ × 3 cm³ / π/6 cm³। जब चार चीज़ें ऊपर नीचे आ जाती हैं, तो ऊपर नीचे वाले की गुणा और बीच बीच वाले की गुणा कर लेते हैं। ऊपर नीचे वाले गुणा 50 πr × 6/3 × π, पाई से पाई, 3 × 6, 50 × 100, तो 100 गोली डाली उसमें। छोटी छोटी थी गोली, छोटी थी, यहाँ बड़ी बना।